नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। छात्रों के बीच रचनात्मक और विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने साल 2023 तक 10वीं और 12वीं के परीक्षा पैटर्न में बड़े बदलाव करने का निर्णय किया है। बोर्ड का कहना है कि बदलाव का कारण छात्रों में क्रिएटिव और एनालिटिकल सोच को बढ़ावा देना है। एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने स्कूल शिक्षा शिखर सम्मेलन समारोह आयोजित किया था, वहीं पर इस बात की जानकारी सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने दी। उन्होंने कहा कि इस साल 10वीं में 20% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 10% क्वेश्चंस क्रिएटिव थिंकिंग सोच पर आधारित होंगे। वहीं 10वीं और 12वीं के लिए 2023 के प्रश्न पत्र क्रिएटिव, इनोवेटिव और क्रिटिकल थिंकिंग पर आधारित होंगे, जिससे बच्चों को सोचने और समझने की स्किल डेवलप होगी। उन्होंने कहा कि टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चों के बीच आपसी संबंध को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वोकेशनल सब्जेक्ट को 5 भागों में बांटने की जरूरत है। इनसे बच्चों के सोचने और समझने की क्षमता का परीक्षण होगा। त्रिपाठी ने सुझाव दिया कि सभी स्कूलों को 1 से 8वीं क्लास में पढ़ रहे बच्चों को मुफ्त सेमेस्टर देना चाहिए। टीचर्स को उन स्टूडेंट्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जो कमजोर है। साथ ही टीचर्स को भी समय समय पर अपडेट होना जरूरी है। त्रिपाठी ने कहा कि स्कूलों को उन शिक्षकों को अधिक समय देना चाहिए जिन्हें निश्चित रूप से प्रशिक्षित होने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति के बारे में उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य व्यावसायिक और मुख्य विषयों के बीच की खाई को बांटना है। इसमें व्यावसायिक विषयों को 5 विषयों का हिस्सा बनने की आवश्यकता है, यह अच्छा कदम होगा। वहीं ट्रेनिंग और स्किल एजुकेशन के निदेशक विश्वजीत साहा ने कहा कि सभी स्कूलों को स्टूडेंट्स की एबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, बजाय इसके कि स्टूडेंट्स रोजगार पर ध्यान दें। साहा ने कहा कि स्कूलों को टीचर्स को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, जिससे सिस्टम जल्दी अपग्रेड हो सके। साथ साथ माता पिता को बच्चों पर ध्यान देना होगा। युवा छात्र अपने करियर को तभी आकार दे सकते हैं जब सामग्री आधारित पाठ्यक्रम के साथ दबाव ना हो। स्कूलों को छात्रों में गतिविधि आधारित कौशल निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के चेयरमैन प्रशांत भल्ला ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई बोझ नहीं लगनी चाहिए, उनको पढ़ने में मजा आना चाहिए।